देखो हमारा एक्सरसाइज 1.1 ही चल रहा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है देखो, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन फाइंड विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू एंड स्टेट पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। देखो ये भी मैंने बेसिक में लिखा के दिया है, ये भी मैंने बेसिक में लिखा के दिया है, तो पहला वाला वीडियो तुम लोग अच्छे से देखो, उसमें मैंने ये कवर कर दिया है कौन सा पॉइंट किसके बीच में आता है। तो ये तुम्हें प्रूव करना है, ये निकालना है आंसर कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में आएगा। तीन पॉइंट दिए जाएंगे, तीन पॉइंट, तो तीनों में से कौन सा पॉइंट बीच में आता है वो फाइंड आउट करना है, और कौन सा पॉइंट, तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है। कोलिनियर मतलब क्या, इन वन लाइन, मतलब समझो पी क्यू आर है ना, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो ये कोलिनियर है, है। ओके, तो तुम्हें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, कौन सा पॉइंट बीच में आता है फर्स्ट, एंड सेकेंड वो तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है क्या, ये दो चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है तुम्हें। ओके, ये मैंने बेसिक में सिखाया है, अच्छे से वीडियो देख लेना फर्स्ट। तो हमारा पहला वाला सम देखो क्या है, डिस्टेंस पी आर कितना दिया है 7। ओके फर्स्ट, डिस्टेंस पी क्यू कितना दिया है 10, डिस्टेंस क्यू आर कितना दिया है 3। तो पहला स्टेप, सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है, सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है डिस्टेंस पी क्यू है ना, सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है डिस्टेंस पी क्यू, तो मैंने वो लिखा ओके इक्वल टू 10 है ना, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। बचे हुए दो डिस्टेंस कौन से हैं, ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला है ना, ये दो डिस्टेंस बचे हैं, ये दोनों को ऐड करो। सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, देखो आ गया इक्वल टू, इसका डिस्टेंस कितना है 7 प्लस 3 कितना आता है 10, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर है, देखो मैंने क्या किया, मैंने तीनों डिस्टेंस को देखा, सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है ये 10 है ना, तो वो कौन सा है PQ, तो मैंने वो पहले लिखा और इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। ओके, बचे हुए दो डिस्टेंस कौन से है, डिस्टेंस PR एंड डिस्टेंस QR, ये दोनों का मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, समझाइए। ओके, कितना आया 7 प्लस 3 10। अभी तुम लोग मुझे बताओ, दोनों भी सेम आए, इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 2 देखो, डिस्टेंस PQ कितना 10 और ये दोनों का एडिशन भी कितना आया 10, ये कौन सा साइड हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कौन सा साइड हुआ राइट हैंड साइड। तो मैंने कल ही तुम्हें बेसिक में सिखाया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, मैंने कल तुम्हें ये सिखाया है, बेसिक वाला वीडियो अच्छे से देखो सबसे पहला वाला वीडियो, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आना चाहिए है ना, तो ये दोनों भी इक्वल, यानी मैंने लिख दिया देखो डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू दिस, देखो लिखा है मैंने क्या बोला, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड स्टेप चेक करना है, देखो डिस्टेंस PQ कितना आया 10 और बचे हुए दोनों का एडिशन कितना आया 10, मतलब सेम आया, अगर ये साइड सेम है तो ये साइड भी क्या आ जाएगा सेम, मतलब इक्वल है ना, तो डिस्टेंस PQ इक्वल टू डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR, देखो लिख दिया मैंने यहां पे डिस्टेंस PQ इक्वल टू डिस्टेंस PR प्लस QR। ओके, यहां तक समझा है, अगर नहीं समझा है तो मुझे मैसेज करो, मुझे बोलो कि नहीं समझा, वापिस एक बार देखते हैं, ध्यान दो अच्छे से। देखो फर्स्ट स्टेप मैं क्या, देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तीन पॉइंट है, तीन में से कौन सा पॉइंट बीच में आएगा फर्स्ट और सेकंड, तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या, कोलिनियर मतलब इन वन लाइन पे है क्या वो, ये मुझे दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो पहला स्टेप सिंपल, देखो सिंपल है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप फाइंड आउट करो ये तीन डिस्टेंस में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस PQ कितना है 10 है ना, सबसे बड़ा है वो, ये 7 है, ये 10 है, ये 3 है, तो 10 बड़ा है, तो ये मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1।
बचे हुए दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर लिखा इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना आता है 10। तो दोनों देखो इक्वेशन 1 देखो इक्वेशन 2 देखो दोनों का आंसर सेम आया 10 10। तो देखो ये इक्वल टू साइन के लेफ्ट वाला साइड कौन सा साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू साइन के राइट में राइट हैंड साइड। ओके ये इक्वल टू साइन के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल टू साइन के राइट में, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। ओके ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, देखो इक्वल टू साइन के राइट में राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हुआ ना, ये राइट हैंड साइड हुआ, देखो इक्वल टू साइन के राइट में राइट हैंड साइड, इक्वल टू साइन के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड। ओके यहां पे इक्वल टू साइन के राइट में राइट हैंड साइड एंड इक्वल टू साइन के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड। ओके तो मैंने तुम लोगों को बोला कि ये दोनों इक्वेशन को चेक करो, ये इसका आंसर कितना आया 10 और इसका भी आंसर कितना है 10, कौन सा साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड क्या आया इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगा इक्वल। सिंपल है, ये दोनों के बीच में इक्वल टू साइन दे दो बस, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, देखो यहां पे लिख दिया मैंने। और कैसे पता चला ये मुझे, फ्रॉम 1 एंड 2, कैसे पता चला फ्रॉम 1 एंड 2, तो रीजन लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे लिखा फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इक्वल टू दिस, देखो है ना एकदम इजी है, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी इक्वल, समझा। ओके तो मैंने तुम लोगों को बेसिक में बताया था, तो कौन सा पॉइंट बीच में आएगा, दो चीज दो तरीके से समझ सकता है कैसे, देखो देखो यहां पे क्या लिखा है डिस्टेंस पी क्यू, यहां पे देखो डिस्टेंस पी क्यू, कौन सा पॉइंट मिसिंग है आर है ना, क्या है इसमें डिस्टेंस पी क्यू, कौन सा पॉइंट नहीं है आर नहीं है, तो आर बीच में आएगा, किसके पी क्यू के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा आर पॉइंट आएगा। तो ये पहला ट्रिक, सेकेंड ट्रिक देखते हैं, देखो ये साइड में देखो राइट साइड में देखो कौन सा पॉइंट रिपीट आया आर 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 बीच में आएगा, आर किधर आएगा बीच में आएगा सेंटर में आएगा, तो मैंने लिख दिया पॉइंट आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, तो मैंने एक लाइन बनाया पी एंड क्यू के बीच में आर को बना दिया। तो अभी तुम लोग मुझे बताओ तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है ना, तो ये कौन से पॉइंट बन गए कोलिनियर पॉइंट, तो मैंने लिखा पी आर एंड क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स, देखो दोनों प्रूव हो गया, कौन सा पॉइंट बीच में है वो समझा, पॉइंट आर बीच में है, और सेकंड क्या फाइंड आउट करना था कोलिनियर है या नहीं है ना, तो मैंने देखो ना सिंपल है पी एंड क्यू के बीच में कौन सा पॉइंट आया आर, ये स्टेटमेंट लिखा ना पॉइंट आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में कौन है आर, तो लाइन बना दिया। तो मैंने ये लाइन देखे क्या पता चला, ये तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। ओके ये तुम्हारा फर्स्ट सम हुआ, अभी सेकंड सम देखते हैं, देखो सेकंड सम में क्या दिया है डिस्टेंस आर एस इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस सी इक्वल टू 6 एंड डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 4। ओके तो डिस्टेंस ये तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है 8, तो मैंने वो लिखा डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1, और बचे कौन से डिस्टेंस, डिस्टेंस एस टी एंड डिस्टेंस आर टी, ये दो डिस्टेंस बचे ना, ये दोनों को मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, ये दोनों को मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, देखो मैंने ऐड कर दिया एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इक्वल टू, देखो एस टी कितना है 6 एंड आर टी कितना है 4, देखो लिखा 6 प्लस 4 10, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अभी चेक करो देखो इक्वल टू साइन के राइट में राइट हैंड साइड, ओके इक्वल इक्वल टू साइन के राइट में राइट हैंड साइड है ना, और ये कौन सा हुआ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अभी तुम लोग मुझे बताओ यहां पे आंसर क्या है 8 और यहां पे कितना है 10, सेम है क्या, नहीं है, आंसर सेम है नहीं है, देखो अगर सेम नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर भी नहीं है और कोई भी पॉइंट बीच में भी नहीं आएगा। देखो ये चीज याद रखना हमेशा, अगर
आंसर सेम नहीं आया। यहां पे कैसे आंसर सेम आ गया, 10-10। अगर आंसर सेम है तो पॉइंट बीच में मिल जाएगा तुम्हें और कोलिनियर भी होगा। क्या बोला समझा? देखो यहां पे 10-10 सेम आ गया तो हमें पता चला कौन सा पॉइंट बीच में आया है, आर बीच में आ गया आर, और वो कोलिनियर भी है। कोलिनियर मतलब एक सिंगल लाइन पे भी है। ओके, लेकिन अगर आंसर डिफरेंट आया तो यहां पे कितना आया है 8 और यहां पे कितना आया है 10, है ना? दोनों का आंसर डिफरेंट आया है, दोनों का आंसर डिफरेंट आया है। सेम है क्या, इक्वल टू है क्या वो? नहीं, ये क्या है, नॉट इक्वल टू। तो देखो अगर राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा क्या? नहीं, मतलब डिस्टेंस आर एस इज नॉट इक्वल टू। देखो मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस आर एस लिखा, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल। देखो इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, है ना? नॉट इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ऐसे इक्वल टू देखे क्रॉस लाइन। तो डिस्टेंस आर एस नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। देखो लिखा है यहां पे, देखो सिंपल लॉजिक, इक्वल आया ना, अगर इक्वल आया तो ये और ये इक्वल लिख देने का, सिंपल। अगर इक्वल नहीं आया ना तो ये और ये नॉट इक्वल टू लिख देने का, सिंपल, है ना? तो नॉट इक्वल टू मैंने लिख दिया। अगर इक्वल ही नहीं है तो कोई पॉइंट बीच में आएगा क्या? नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट बीच में नहीं आएगा। ओके, और वो पॉइंट कोलिनियर होगा, अगर पॉइंट ही बीच में नहीं आ रहा है तो कोलिनियर होगा क्या? नहीं होगा, याद रखना। तो मैंने कैसे याद रखा, मैं बताता हूं। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो पॉइंट बीच में भी रहेगा और एक सिंगल लाइन पे भी होगा, फर्स्ट। सेकेंड, अगर दोनों इक्वल नहीं आया तो कोई भी पॉइंट बीच में नहीं होगा और वो तीनों भी पॉइंट एक लाइन पे नहीं होंगे, मतलब कोलिनियर नहीं होंगे। ये दो सम मैंने तुम लोगों को बता दिए हैं, सेम पैटर्न में होमवर्क मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सेम है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें सॉल्व करके मुझे फोटोज इसके भेजने हैं, ये याद रखना। कंफर्म इसके फोटोज मुझे चाहिए, अगर तुम्हें नहीं समझा है तो मुझे कॉल करके पूछ लो। ओके, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, इजी है, ध्यान दो अच्छे से। ओके, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ये तुम्हारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये होमवर्क मुझे चाहिए, सेम ऐसे ही सॉल्व करके आना है तुम लोगों को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में और 3-4 सम है तो वो पहले करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्केच द फिगर एंड फाइंड द आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ ए डैश बी डैश सी एंड लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 11, कॉमा लेंथ बी सी इज इक्वल टू 6.5, फाइंड AB। देखो इसमें बोला है स्केच द फिगर एंड फाइंड द आंसर। अभी फिगर क्या ड्रॉ करना है वो देखते हैं। देखो क्या दिया, पहले फिगर के बारे में देखते हैं। इफ ए डैश बी डैश सी, देखो ये कभी भी ऐसे बोला गया ना, ए डैश बी डैश सी या एक्स डैश वाई डैश जेड, समझो कोई भी अल्फाबेट रहेंगे, P डैश Q डैश R, है ना? इसका मतलब क्या पता है,
ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन पे है, मतलब ये कोलिनियर है। याद रखना, जब भी ऐसे कुछ आएगा ना, कभी भी ए डैश बी डैश सी, मतलब क्या है, देखो पहले पॉइंट ए आएगा, बाद में बी आएगा, बाद में सी आएगा, और ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होंगे, तो वो कौन से पॉइंट बन गए, कोलिनियर पॉइंट। ओके, याद रखना ये चीज। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, तो मैंने एक लाइन बना दिया। ओके, पहले मैंने एक लाइन बना दिया, पहला पॉइंट कौन सा है ए, दूसरा पॉइंट कौन सा है बी, तीसरा पॉइंट कौन सा है सी, बराबर ए डैश बी डैश सी। इसका मतलब क्या है, ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। ओके, ये याद रखना, मतलब तीनों भी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, समझे, ए डैश बी डैश सी। इसका मतलब क्या है, ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है और वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या, पॉइंट एक ही सिंगल लाइन के ऊपर है, सारे के सारे पॉइंट एक ही सिंगल लाइन के ऊपर है, उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो देखो ये एक सिंगल लाइन है, इसके ऊपर ये तीन पॉइंट आ गए, समझे, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स बन गए, समझे। इसका मतलब समझा क्या है, ए डैश बी डैश सी, इसका मतलब ये है कि ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, मतलब वो कौन से पॉइंट हुए, कोलिनियर पॉइंट। तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, एक सिंगल लाइन बनाया और ये सिंगल लाइन के ऊपर ये तीनों भी पॉइंट लिख दिए। हाँ, अभी वैल्यूज क्या क्या दिया है देखते हैं। देखो एसी, एसी कितना दिया है, 11। ओके, बीसी, बीसी कितना दिया है, देखो यहां से बीसी दिया है 6.5। क्या फाइंड आउट करने बोला है, एबी, एबी कितना है ना, टोटल एसी कितना दिया है 11, बीसी दिया है 6.5, फाइंड क्या करने बोला है, एबी। तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, क्या बता, देखो ये जो लेंथ एसी है, ये पूरा का पूरा एसी कैसे बनता है, देखो एबी प्लस बीसी, देखो ध्यान दो, लेंथ एसी इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा एसी कैसे बनता है, ध्यान दो अच्छे से, ध्यान दे रहा है, ये एसी कैसे बनता है, एबी प्लस बीसी करूंगा तो एसी मिल जाएगा, सही है, देखो ना ये एसी कैसे मिलेगा मुझे, एसी कैसे मिलेगा, एबी प्लस बीसी, तो लेंथ ऑफ एबी प्लस लेंथ ऑफ बीसी। ओके, देखो ये मैं क्यों कर पाया, बिकॉज ये तीनों भी पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है, तो यहां पे मैं रीजन लिखूंगा ए डैश बी डैश सी। देखो अगर पॉइंट लाइन में होते हैं तो हम लोग उन्हें ऐड कर सकते हैं, याद रखना ये, अगर पॉइंट लाइन में हो सकते हैं, अगर पॉइंट लाइन में है तो मैं उनको ऐड कर सकता हूं। देखो कैसे ऐड किया मैंने, देखो वापिस एक बार देख लेते हैं, वापिस एक बार बताता हूं क्या है। देखो ए बी एंड सी, ओके, तुम लोग मुझे बताओ मुझे एसी कैसे मिल सकता है, देखो एसी, एसी कैसे बना, ए बी प्लस बी सी है ना, एसी इज इक्वल टू, देखो यहां से लेके यहां तलक पूरा है, ओके, तो ये पूरा कैसे बन सकता है, यहां से लेके यहां तलक प्लस यहां से लेके यहां तलक, मुझे ए बी प्लस बी सी, सही है ना, पूरा का पूरा एसी कैसे बनेगा, ए बी प्लस बी सी, ये अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे एसी मिल जाएगा, है ना, मैं अगर ए बी प्लस बी सी कर दूं तो मुझे एसी मिल, पूरा का पूरा एसी मिल रहा है, देखो है ना, ए बी प्लस बी सी कर दूं तो मुझे पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, एसी। तो यही पे सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई करना है, ओके, पूरा का पूरा एसी कैसे मिलेगा मुझे, ए बी प्लस बी सी, मैंने लिखा देखो लेंथ ऑफ एसी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। ओके, मैं ऐड क्यों कर सका, क्योंकि तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा रहता तो यहां पे ए, यहां पे बी और यहां पे सी, ये है 4, ये है 5, तो पूरा एसी, देखो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है क्या, ये तीनों भी पॉइंट एक लाइन में है क्या, नहीं है, मैं ऐड कर सकता हूं क्या, देखो मुझे ए से लेके सी तलक का डिस्टेंस निकालना है, तो 4 प्लस 5 9 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों,
ये तीनों भी पॉइंट एक लाइन में नहीं है, ये याद रखना। तो मैं ऐड क्यों किया, क्योंकि ये तीनों भी देखो पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन में है ना, ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन में है, तो मैं ऐड कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो मैंने ऐड कर दिया, देखो एसी कैसे बनता है, देखो पूरा का पूरा एसी कैसे बनता है, एबी प्लस बीसी लिखा, देखो ऐड कर दिया ना। कैसे पॉसिबल हुआ ये, क्योंकि ये तीनों भी पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में, तो मैंने लिखा इसका रीजन, लिखा ए डैश बी डैश सी। चलो वैल्यू डाल दे, एसी कितना है 11, एबी कितना है, एबी नहीं पता तो वैसे ही रखा, एबी फाइंड आउट करना है मुझे, प्लस बीसी कितना है, बीसी है 6.5। ओके अभी तुम लोग मुझे बताओ, ये प्लस 6.5 है, ये प्लस 6.5, ये बाजु शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, ये प्लस 6.5 है, ये साइड में शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, माइनस, तो 11 माइनस 6.5 क्या आएगा, लेंथ ऑफ एबी, 11 में से 6.5 माइनस करो, आंसर आएगा 4.5 लेंथ ऑफ एबी आ गया। ये देखो यही फाइंड करना था, देखो फाइंड एबी है ना, आ गया लेंथ ऑफ एबी कितना 4.5। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके अभी मैं तुम लोगों को इससे रिलेटेड दो सम देता हूं, होमवर्क के लिए मुझे करके बताओ। देखो क्या दिया है, लेंथ, सेकंड सम, लेंथ ऑफ एसटी इज इक्वल टू 3.7। इफ आर डैश एस डैश टी, लेंथ ऑफ एस टी इज इक्वल टू 3.7, कॉमा लेंथ ऑफ आर एस इज इक्वल टू 2.5। एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ आर टी। ओके क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर थ्री है, इफ x dash y dash z length of xz is equal to 3√7 length of xy is equal to √7 find length yz। ओके देखो मैंने होमवर्क तुम्हें दिए हैं, ये चार सम और ये दो सम, छह सम मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया है। ये मुझे इवनिंग में इसके फोटोज मिलने चाहिए। ऑलमोस्ट 1.1 खत्म हो गया, सिर्फ दो सम बचे हैं, ऑलमोस्ट 1.1 खत्म हो गया, सिर्फ दो सम बचे हैं, चैप्टर खत्म होने के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज बचा है। कल तलक ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, कल तलक तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके फिर अपन ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर देखेंगे, फिर अलजेब्रा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेजेस वगैरह सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। मैं तुम्हें उनके नोट्स भी भेजूंगा। ओके फर्स्ट अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझा तो मुझे तुम लोग व्हाट्सएप करो, बताओ कि नहीं समझा, समझाओ हमें वापस, मैं वापस रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा तुम्हें। लेकिन अगर नहीं समझाए तो सिर्फ ऐसे ही मत बैठो, ये होमवर्क भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताओ। सात छह सम में एक सम ट्रिकी है, लास्ट वाला सम इजी है, लेकिन आना नहीं आया तो पूछो मुझे। ओके ठीक है।